गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के अपने चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इसमें कॉटन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कॉटन इंडस्ट्रीज़ ये भारत का लार्ज इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है भारत में। ये प्राइवेट, पब्लिक और कॉपरेटिव सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स के द्वारा चलाया जाता है। इसमें लगभग 1.5 मिलियन लेबर फोर्स इंगेज है, लगा हुआ है। ये डायरेक्टली लिंक्ड है एग्रीकल्चर के साथ में, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, एक जगह इनका केंद्रीकरण नहीं है, ये फैला हुआ है। सपोर्ट अदर इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल एंड डाइज, मिल्स, स्टोर्स, पैकेजिंग एंड इंजीनियरिंग। ये जो कॉटन इंडस्ट्री है, ये दूसरे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, मिल्स हो गए, पैकेजिंग और इंजीनियरिंग हो गई, इनको ये सपोर्ट करता है। इसका दूसरा टॉपिक है एरिया। मुख्यतः कॉटन इंडस्ट्री का एरिया जो है महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, जलगांव और नागपुर है। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर है। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद और हुगली है। उत्तर प्रदेश में कानपुर है, मुरादनगर है, आगरा है, मोदी नगर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरै है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज़, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ में मदद करती हैं? तो सबसे पहला चीज़, वाइड मार्केट। कॉटन इंडस्ट्रीज़ के पास में काफ़ी बड़ा बाज़ार उपलब्ध है, भारत में एज वेल एज वर्ल्ड में। विदेशों में हमारे भारत के बने सूती कपड़ों की काफ़ी डिमांड रहती है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होने के कारण से भी कॉटन इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप की है। तीसरा है बैंकिंग फैसिलिटीज़। भारत में बैंकिंग फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है। बैंकिंग सेक्टर लोन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो प्रोडक्शन को जारी रख सके और बड़ी मात्रा में उत्पादन को कर सके। साथ में रेगुलर पावर सप्लाई भी इन इंडस्ट्रीज़ के लिए उपलब्ध है। अब सवाल उठता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कॉटन इंडस्ट्रीज़ के सामने। तो सबसे पहला चीज़ तो है स्कार्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, अच्छे क्वालिटी के कॉटन का कम होना, की कमी होना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ है जो मशीनरीज हमारे पास में यूज़ हो रही है वो अब पुरानी हो चुकी है ना, उनमें बदलाव की ज़रूरत है ताकि प्रोडक्शन की गति को बढ़ाया जा सके। पावर सप्लाई भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए लगातार और पर्याप्त मात्रा में पावर सप्लाई होना ज़रूरी है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स, लेबर्स के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन उस मात्रा में उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। आजकल हमें ये देखने को मिलता है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बड़ा कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि सिंथेटिक के टेक्सटाइल्स जो है या जो फाइबर्स हैं वो कॉटन के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं, जिसके कारण से कॉटन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। भारत विदेश में भी अपने कॉटन टेक्सटाइल या फाइबर्स का जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जैसे USA है, UK है, रशिया है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर है, अफ्रीका और श्रीलंका, इन देशों में भारत से बने सूती वस्त्र भेजे जाते हैं और इनका, भारतीय सूती वस्त्र का इन देशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी देखने को